ये है एच डी एफ सी की हमारी पेन, अब इसका काम हो गया है तो इसे क्या करना चाहिए, इसका इसे जला देना चाहिए, ठीक ऐसे। लाइटर कहाँ से आया हुआ? सो अभी बज रहे हैं 11, अपॉइंटमेंट टाइम है 12 बजे एम्स का। अभी भी हम बस अपहरण का लास्ट एपिसोड देख के उठे हैं, सो माइंड अभी भी यू नो रश में। अपहरण देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देखो, बहुत बढ़िया सीरियल। एंड मेट्रो स्टेशन एक घंटे में एम्स पहुंचना है। आज का दिन सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि आज 12 बजे के बाद, 12 से 1 बजे के बीच पता चलेगा मुझे आगे एक जॉब कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है और लाइफ में क्या करना है बेसिकली। वो आज फाइनल हो जाएगा, होपफुली फाइनल हो जाए, वरना अभी कोई दिक्कत नहीं है बट वो चीज़ एक तरफ हो जाती है ना। तो अभी एम्स जा रहा हूँ, उसके बाद कुछ प्लानिंग है शॉपिंग वगैरह की, छुट्टी लिए ऑफिस से पूरा दिन यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो हम एट एम्स, जगह कभी मज़ा नहीं आती आने में। दिस प्लेस हैज दिस वेरी बैड वाइब, यू नो एवरी 10 सेकंड्स देयर इज समवन गोइंग आउट इन फ्रंट ऑफ यू, देयर आर सम बैड कंडीशन एंड दैट जस्ट फक्स अप विद योर माइंड विद योर डे। I don't want to lose my mobility. It was fun coming around here. This is a weird feeling. This is a very, very weird feeling. So, जो होना तो हो गया है, अब सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं उसे शेयर करता हूँ फ्यूचर मेरे लिए। जो उसने डेट नेक्स्ट के लिए दी है 3/4/19, सो द नेक्स्ट डे ऑफ अपॉइंटमेंट is 3rd of April 2019। ना ये बात बुरी भी है और अच्छी भी है, परस्पेक्टिव मैटर करता है। मेरे परस्पेक्टिव से इट्स परफेक्ट क्योंकि आई नीडेड दिस टाइम, और फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ दोज हु केयर्ड अबाउट मी, रियली जेन्युइनली केयर्ड अबाउट मी, इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ रियली बैड थिंग। तो जॉब करनी है एक महीना भी और, हाँ सी ए का रिजल्ट आज देखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। वाओ दिस इज मी, मुझे पता नहीं है, सी ए का रिजल्ट मेरे ख्याल से एक हफ्ता पहले आ चुका है। इट्स अ बिग डील फॉर मी एट लीस्ट एज ऑफ नाउ। मुझे पता है फ्यूचर में मैं इसी कैमरे से देख रहा हूँ खुद को और हंस रहा हूँ खुद से, पर अभी तो मैं डरा हुआ हूँ लिटरली। पता नहीं कि उतना फ़र्क पड़ रहा मुझे, बट फर्क तो पड़ रहा, तो अभी मैं देख रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट व्लॉगिंग, दिस इज जेन्युइन एक्सप्रेशंस। थोड़े सेकंड के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्ट आया कि नहीं आया, बट आई विल गो थ्रू द प्रोसेस, यू नो मुझे एक घंटा लगेगा कम से कम अभी टू गेट इन दैट जोन और फिर चेक करना रिजल्ट। द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज दैट हाउ पॉजिटिवली आई एम टेकिंग दिस, लाइक परस्पेक्टिव बहुत चेंज हुआ है मेरा लास्ट वन ईयर में। So many things have happened. And अब एक साल पहले वाले हम मेहंदी से पूछते कि अगर ये होगा तो क्या करोगे, I would shit my pants. This is scary for a year old me. But right now I'm totally fine. It's been 2 years since I have graduated 12th. 200 लोग, I mean जब मैं 12th में था, if someone would have told me कि तुम 12th करने के 2 साल बाद तक कोई भी ग्रेजुएशन स्टार्ट तक नहीं करोगे, दैट वुड जस्ट वुड हैव बीन फ्रीक्ड मी आउट, एंड आई एम फाइन राइट नाउ, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट इट कुड हैव गॉट, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। इट इज अ बिग रिस्क, आई नो नोबडी शुड टेक इट, बट दिस इज द रिस्क आई एम विलिंग टू टेक, पर्सनली आई एम विलिंग टू टेक। एंड आगे होगा सही नहीं होगा, थिंग्स विल टर्न आउट गुड बैड, यू नो एट द एंड ऑफ द डे हम भीख मांगेंगे या फिर अच्छी जॉब रहेगी या फिर इट्स अनएक्सपेक्टेड एंड दैट्स हाउ आई लाइक इट, यू नो फिक्स्ड नहीं चाहिए मुझे, फिक्स्ड चीज़ नहीं चाहिए, यू नो मेहनत फिर नहीं करता बंदा जब चीज़ें फिक्स हो रखी होती हैं। अभी हम कॉलेज में जा रहे होते हैं तो कल का कॉलेज होता है, कोई टेंशन नहीं होती, अभी कल का कुछ पता नहीं है, यू नो अभी हमारे पास अभी आज का दिन तो कुछ कन्फर्म नहीं था, आज कन्फर्म हो गया, अब कल का कन्फर्म नहीं है क्या करना है, क्योंकि 2 महीने का टाइम मिला, 2 महीने में क्या करना है,
जो सीए चल रहा है वो अनफॉर्चुनेटली तो चल ही रहा है, उसका तो मैं रात दूंगा अपनी, पर दिन दिन मेरा है उसमें मैं क्या करूंगा वो अभी पक्का नहीं है। दैट माय फ्रेंड्स, दैट दैट फील दैट फील दैट एंड दिस जेन्युइनली मेक्स मी हैप्पी। दिस जेन्युइनली आई एम द हैप्पीएस्ट एज ऑफ नाउ। मुझे इस टाइम पे किसी चीज की जरा सी भी टेंशन नहीं है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ एंड आई ऑलरेडी हैव इट। Have I introduced you on the blog? No face, Miss No Face. Yeah, she is a someone I drew. Yes, sorry for the grammar. I like her legs the most because no, I'm not a pervert, but it's just I made it pretty good. Yeah, my background mein reha to thoda sa. And if you ask me, this is a perfect day. This day couldn't have gone any better. हाँ, मैं बस में ट्रैवल किया एक बार, वो अगर पार्टिशन निकाल दिया जाए तो this was a very very good day. Everything was unexpected, कुछ भी कन्फर्म नहीं था. Things turned out bad, that's what I like. I don't want things handed over to me. जब तक कि मैं उसके लिए बहुत मेहनत ना करूँ. And अभी भी दिन अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, मतलब ख़त्म होने वाला है, फिर भी मेरे पास अभी एक सरप्राइज बचा हुआ है मेरे बैग में. यू नो दीज सरप्राइजेस, दिस इज व्हाट आई लिव फॉर. एंड या कुछ लोगों को मतलब स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस इज अ स्केरी थिंग, दिस इज अ वेरी स्केरी थिंग. एंड इट्स अ रिस्क, इट्स अ रिस्क. अगर आप रिस्क हैंडल नहीं कर सकते तो आई डू नॉट, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीवन टू डू go with your life like this. That's it for today, that's it for now. अभी मैं जाकर किस चेक करूँ रिजल्ट क्या हुआ, फिर मिलते हैं, देखते हैं ये चेहरा ऐसे रहता है या नो. उम्मीद तो ऐसे कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. रिविजन करने में तो और कमी मेहनत लगेगी और क्या, राइट. मे में नेक्स्ट एग्जाम होगा, अगर पैसे देना होगा पैसे दे देंगे. I'm not ready for that. पास होना है. Okay, let's check it out. देख लिया. So the scary moment. Yes, I'm passed. I fucking passed it. First attempt, passed it. Let me check again. कंफर्म नहीं है. एक मिनट में चेक कर लूँ, एक मिनट फिर देख रहा हूँ. मैं कंफर्म है, स्क्रीनशॉट लिया, चेक कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट. एक मिनट, एक मिनट. सो 400 में से 200 लाने थे, 228 आए हैं मेरे. और मैथ्स में 3 नंबर से बच गए हैं, 3 नंबर एक्स्ट्रा. 40 ला रहे थे, 43 लाए. वाओ, आई वाज लिटरली लाइक दिस, आई वाज लिटरली यू नो, मैंने पास सेंबर वाला बटन दबाया और बस ऐसे करके देख रहा था, और झटके से देखा पास. वाओ वाओ, दिस गॉट मी चिल्स. सो अभी लाइफ में इस वक्त, दिस इज लाइफ, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, दिस इज लाइफ. सो आज का ब्लॉग लंबा नहीं करते, ज़्यादा लंबा हो गया. हाँ, तो दिस वॉज इट. जिसको इसको पार्टी चाहिए होगी मैसेज मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट. सैलरी भी आई है, पार्टी बनती है. सॉरी, सुना नहीं दिया, तो पार्टी तो बनती है. See you on the other side.